हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। जेजुरी के सुनहरे मंदिर खंडोबा की सुनहरी यात्रा जरूर देखिए। पुणे से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित पुणे जिले में ही पड़ने वाला धार्मिक नगर जेजुरी अपने खंडोबा मंदिर के लिए पूरे देश में सुप्रसिद्ध है। यह देश में प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इसे मराठी भाषा में खंडोबाची जेजुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की शोभा और लोगों की भक्ति भावना इस मंदिर में देखते ही बनती है। चलिए आज हम आपको सुनहरे रंग से चमकते हुए इसी मंदिर की पवित्र यात्रा पर लिए चलते हैं। जेजुरी में स्थित खंडोबा मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थापित है, जहां पहुंचने के लिए करीब 200 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी होती है। जब आप इस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं तो यहां से आपको संपूर्ण जेजुरी का मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। जेजुरी मुख्यतः अपनी दीप मालाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिनका चढ़ाई करते समय मंदिर के प्रांगण से अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। चलिए करते हैं खंडोबा मंदिर की सुनहरी यात्रा उसके कुछ सुनहरे तस्वीरों के साथ और मंदिर को और करीब से जानते हैं। जेजुरी के इस प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य देवता खंडोबा देवता है, जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम है। जेजुरी नगर खंडोबा भगवान के लिए ही समर्पित है। इन्हें मार्तन, भैरव और मल्हारी जैसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जो भगवान शिव जी के ही अन्य रूप है। मराठी में किसी बड़े को सम्मान देते हुए नाम के बाद बा, राव या राया लगाया जाता है, इसीलिए इन्हें खंडोबा, खंडेराया और खंडेराव के नाम से भी पुकारा जाता है। खंडोबा की प्रतिमा एक घोड़े की सवारी करते हुए एक योद्धा के रूप में यहाँ विराजमान है। इनके हाथ में राक्षसों को मारने के लिए एक बड़ी खग यानी तलवार है। खंडोबा नाम इस शस्त्र खग के नाम से ही लिया गया है। कुछ लोग खंडोबा को शिव, भैरव, सूर्य देवता और कार्तिकेय देवताओं के सम्मिलन के रूप में विश्वास करते हैं। खंडोबा का महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई लोक गीतों और साहित्यिक कृतियों में उल्लेख है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार राक्षसों मल्ला और मणि को भगवान ब्रह्मा से वरदान द्वारा संरक्षण प्राप्त था। इस वरदान के साथ वे अपने आप को अजय मानने लगे और पृथ्वी पर संतों और लोगों को आतंकित करने लगे। यह सब देख गुस्से में भगवान शिव जी ने मार्तंड भैरव के रूप में, जिन्हें खंडोबा भी कहते हैं, नंदी की सवारी करते हुए पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों राक्षसों को मारने का जिम्मा उठाया। कहा जाता है कि इस उत्तेजना में मार्तंड भैरव चमकते हुए सुनहरे सूरज की तरह लग रहे थे। पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें हरिद्रा भी कहा जाता है। जब भगवान मार्तंड ने दोनों राक्षसों को मार दिया, तब मरने के दौरान मणि ने पश्चाताप के रूप में उन्हें अपना सफेद घोड़ा प्रदान किया और उनसे वरदान मांगा। वरदान यह था कि वह खंडोबा के हर मंदिर में स्थापित होगा, जिससे कि मानव जाति की भलाई हो। खंडोबा ने खुशी खुशी यह वरदान दे दिया। इसके उलट मल्ला ने वरदान मांगा कि मानव जाति का विनाश हो, जिससे भगवान ने गुस्से में आकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, ताकि मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों द्वारा यह कुचला जा सके। पूरा मंदिर मुख्य रूप से पत्थर का निर्मित है। मंदिर को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग मंडप कहलाता है, जहां श्रद्धालु एकत्रित होकर पूजा भजन इत्यादि में भाग लेते हैं, जबकि दूसरा भाग गर्भगृह है, जहां खंडोबा की चित्ताकर्षक प्रतिमा विद्यमान है। मंदिर के हर कदम पर हल्दी का छिड़काव किया गया है। मंदिर में हर जगह हल्दी के छिड़काव से पूरा मंदिर सुनहरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे मराठी में सोन्याची जेजुरी कहते हैं। हेमाडपंथी शैली में बने इस मंदिर में 10 से 12 फीट आकार का पीतल से बना कछुआ भी स्थापित है। मंदिर में ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई हथियार रखे हुए हैं। दशहरे के दिन यहाँ तलवारों को ज्यादा समय तक उठाने की प्रतिस्पर्धा भी प्रसिद्ध है। भक्तों के अनुसार माना जाता है कि खंडोबा बच्चे के जन्म और विवाह में बाधाओं को दूर करते हैं। इनकी पूजा सारे रीति रिवाजों के साथ पूरी शक्ति से निभाई जाती है। मणिदानों की प्रतिमा के समक्ष बकरी की बलि भी दी जाती है। हर साल मल्ला और मणि पर उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए एक 6 दिवसीय मेला भी यहां आयोजित किया जाता है। इस मेले को मार्गशीर्ष के हिंदू महीने में मनाते हैं। अंतिम दिन को चंपा षष्ठी कहा जाता है।
और इस दिन भक्तगण भगवान जी के लिए व्रत रखते हैं। कैसे पहुंचे जेजुरी? पुणे से जेजुरी लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सोलापुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर। सड़क यात्रा द्वारा पुणे से और महाराष्ट्र के कई अन्य प्रमुख शहरों से जेजुरी तक के लिए कई बस सुविधाएं उपलब्ध है। रेल यात्रा द्वारा जेजुरी रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन, जहाँ तक के लिए पुणे और महाराष्ट्र के मुख्य शहरों से कई लोकल ट्रेनें चलती है। तो आप जरूर महाराष्ट्र के खंडोबा मंदिर पधारिए, आपकी हर एक मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। जय मल्हार। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई और प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ को भी आप एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।